हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो रात को पूरी रात बारिश हुई, हल्की हल्की, तो हल्की हल्की बारिश हुई शिमला में। लेकिन अभी ऑलमोस्ट ऑल मौसम खुल गया है, फॉग हट चुका है। तो अब हम लोग कुफरी के साइट सीन के लिए जाएंगे। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ बालकनी में, देखो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सब खुल चुका है। लेकिन बस दिक्कत ये है कि अभी भी हल्की हल्की बारिश आ रही है, तो हम लोगों को रेनकोट और अम्ब्रेला तो रखना ही पड़ेगा। और नीचे की साइड में थोड़ा थोड़ा फॉग दिख रहा है, अगर वो फॉग आता है तो वापस से धुंध हो जाएगी जैसे कल हो रही थी। तो एक बार हम लोग अभी रेडी हो जाते हैं, फिर हम लोग जा रहे हैं कुफरी के साइट सीन के लिए। बस मेन बात ये है कि ये खुल गया ना तो ये अच्छी बात है। थोड़ी अगर बारिश और कम हो जाएगी तो कुफरी का थीम पार्क घूमने मजा आएगा, नहीं तो ज़्यादा बारिश होगी तो कुफरी का थीम पार्क बंद रहेगा, तो हम लोग फिर क्या इन्जॉय करेंगे। थीम पार्क बंद रहेगा तो फिर हमको साइट सीन ही करके आना पड़ेगा, जो जगह देखने की जैसे कि नेशनल पार्क है, जू है, वो इतना मज़ा नहीं आएगा। मेन थीम पार्क का तो जो हमारी टैक्सी वो 9:30 बजे रेडी मिलेगी। अभी हम लोग एक बार तैयार हो जाते हैं, ब्रेकफास्ट करके आते हैं, फिर जाएंगे कुफरी के साइड सीन के लिए और देखते कि नया और क्या क्या है यहाँ पे, क्योंकि हमने शिमला और कुफरी दोनों का साइड सीन आज ही रखा है। तो देखते कि साइड सीन में क्या क्या हमको देखने को मिलता है। तो हम लोग थोड़ा सा लेट हो गए, 10 बजे, अभी हमको 9:30 बजे निकलना था और वो रूम क्लीन वगैरह करवाना था और उसमें टाइम लग गया। अब हम लोग जा रहे हैं कुफरी के साइड सीन के लिए। तो ये वही लिफ्ट का जो है, एक लिफ्ट हमने ले ली, दूसरे लिफ्ट के पास जा रहे हैं, क्योंकि मॉल रोड से या तो आप पैदल उतर जाओ या फिर 20 रुपीज़ पर पर्सन का टिकट दे के लिफ्ट से उतर जाओ, तो बहुत कन्वीनियंट और फास्ट है ये लिफ्ट है। ऐसी 26% एक टाइम पे आ जाते हैं इस लिफ्ट में, तो वो लेकर के नीचे चलते हैं। बारिश बंद हो गई मेन बात ये, और मौसम पूरा खुल गया है, बारिश बंद हो गई है बस। लेकिन कल जो बारिश हुई थी, ये जो पानी की आवाज़ आ रही है उन पहाड़ों पे जो बारिश हुई थी उसके, वो पानी बह बह के आ रहा है बस, वो है। बाकी तो बारिश बंद हो गई, तो अब थीम पार्क तो खुला होना चाहिए मोस्ट प्रोबेबली। फिर भी अगर नहीं खुला होगा तो देखेंगे कुछ और साइट सीन करेंगे, जो भी होता है देखते। एक बार गाड़ी आ गई है, गाड़ी नीचे ही लगी हुई है कब से, एक बार चलते गाड़ी में, फिर देखते कि कहाँ अपन जा रहे हैं। सबसे पहले शिमला की साइड सीन पे जा रहे हैं, कुफरी की साइड सीन में, क्योंकि जो लोकल है वो ड्राइवर लोकल ही है, तो उसको पता है कि किस तरीके से लेके जाना है, कहाँ पर लेके जाना है। तो फटाफट से एक बार लिफ्ट आ गए, तो अभी लिफ्ट आने में टाइम बहुत लगता है, क्योंकि बहुत सारे जने एक साथ आते हैं, 26%, तो वो धीरे 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 चढ़ते हैं फिर। बाकी लिफ्ट बहुत फास्ट है, ये इतनी बड़ी लिफ्ट है। एंट्री देन एग्जिट, टू वे ओपनिंग है। ऑपरेटर के नंबर को जो जाए इमरजेंसी में बटन दबा दो। रुपया लेने के लिए आ गए हम लोगों को, अब हम सीधा कुफरी जा रहे हैं। सबसे पहले तो बीच ने सारे ट्रेडिशनल फोटोज कंप्लीट कर लिए थे, अब हम लोग जा रहे हैं लोकल्स की गाड़ी में ऊपर, फिर वहाँ से हॉर्स राइड लेंगे और उसके बाद जो एडवेंचर एक्टिविटीज़ है वो कंप्लीट करेंगे कुफरी की। तो यहाँ पे सारे हॉर्सेस खड़े हुए हैं, यहीं से हॉर्स राइड लेनी है हमको। बात है मेरा इधर चल भाई, थोड़ा सा इधर चलवा, उधर वो ज्यादा ही वैसी हो गई, और ज्यादा जोर से खींचो। इस रोड को थोड़ा सा मेंटेन सैनिटाइज करने के लिए यहाँ पे एंट्री फीस ली गई है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा 50 रुपीज की। तो हम दो जने तो 100 रुपीज का एंट्री फी का टिकट लिया, अब जा रहे देखो यहाँ पे, और ऊपर जाना है हमको, इतना ऊपर जाना है। तो आगे एक्टिविटी वो करेंगे, हम भी लोग इस रास्ते से आए तो ये रास्ते पे हॉर्स की जरूरत है, आगे वो एक्टिविटी करेंगे। देखते आगे कैसी एक्टिविटीज है, किस टाइप की है, तो अभी आगे चल रहे 100 कदम अंदर आगे जाके मिलेंगे वो। तो अभी हमको इसी रास्ते पे जाना है, यहाँ तो रास्ता सही बना हुआ है, इस रास्ते पे आगे जाएंगे फिर एक्टिविटी करेंगे। ये बहुत सही है, इसका तो अगर टिकट ले रहे तो सही बना हुआ, इस पर और भी कार्य चल ही रहा है, धीरे धीरे रोड को और सुधार रहे। पर वो जो हॉर्स वाला रोड है वो तो थोड़ा बहुत मतलब ख़राब ही है। के साथ खेल ले यार, हाथ रख ले ले भी बढ़िया है। ये खाली होगा यहाँ पे, पूरा मार्केट बसा हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे फोटो लेनी हो किसी को तो है, और फिजिकल एक्टिविटी के लिए वो वहाँ जाना है हमको। ये पूरा मार्केट है खाने वगैरह का, ट्रेंड्स के अंदर पूरा मार्केट बना हुआ है, विंटर वियर का है, सेल्फी स्टिक लेनी हो तो वो है, और मोस्टली वही दुकान है ट्रेडिशनल फोटो बनाना हो, रैबिट होल्ड करके, याक पर बैठ करके, वो ज़्यादा है यहाँ पर शॉप्स। अब जो दुकानें स्टार्ट हुई है वो केसर शिलाजीत की दुकानें स्टार्ट हुई, और ये विंटर वियर की दुकान है यहाँ पे, पॉन्चून बिन हैट्स। हम लोगों ने एक और टिकट लिया,
एटीवी का 1 किलोमीटर है, पर रोड अच्छा है तो एटीवी चलाने को मिलेगी। एक बार तो ड्राइवर मिलेगा, वो दो चार जगह लेके जाएगा जहाँ हमसे नहीं चलेगी, बाकी हमको एटीवी चलाने को मिलेगी। और एक बाइक पे दो जने एटीवी का तो और मज़ा आएगा। अब यहाँ आए तो सब कुछ इंजॉय करके जाएंगे। तो अभी नीचे जाना है, हमने इनका पूरा फुल पैकेज लिया जिसमें हमको 6 गेम, 3 साइट सीन और उधर मंदिर है पीछे की साइड में उधर, तो वो हम आते वक्त करेंगे। और एक मंदिर और है, वो हम जाएंगे ना जब हमको हॉर्स वाला करवाएगा। फोटो लेना है ना। अब हम लोग जा रहे हैं एटीवी राइड से नीचे जहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी होती है, वो कंप्लीट करेंगे फिर वापस इसी एटीवी राइड से ऊपर आ जाएंगे। जो हमारे साइट सीन एप्पल गार्डन वगैरह वो भी इसी से ही हो कंप्लीट हो जाएगा। जिपलाइन के लिए जा रहे ये और मैं, दोनों रेडी हो गए। तो पहले कृतिका जा रही है, ये ऐसे में जिपलाइन है, वहाँ हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो ये जिपलाइन यहाँ से कनेक्ट हो रही है। तो मेन व्यू है ये, चलो लेट्स गो। दोनों हाथ छोड़ सकते हो, देखो हाथ अभी छोड़ के दिखाओ, देखो बस ठीक है, फुल एंजॉय करो और जाओ। हेलो, बाय बाय। ऐसे खोलो हाथ, दूर है की बारी। अब मैं जाऊंगा एसी पे ही पूरा व्यू कवर करते हो फ्रंट से, ये बस कनेक्ट हो जाए यहाँ से। अरे मैं गया हूँ, ये पीछे का व्यू मेन है, मेन व्यू देखो ये पीछे का। वाओ यार क्या व्यू है पीछे का, घुमाओ यार घुमाओ, पूरा व्यू ऐसा। तो फॉग ही फॉग रहा है और हल्की हल्की बारिश आने लग गई है यहाँ पे। छोटी जिप लाइन थी, मजा आया ना व्यू देख के। ये वाली रोप पे अभी एक रोलिंग करेगी, फिर उसके बाद ठेठ वहां तक जाएगी, वहां खड़ी होगी, फिर इसको खींचेगी स्लैज को, तो ये वापस जिप लाइन जैसे यहाँ पे वापस आ जाएगी, ऊपर जाएगी तो स्लाइड होके आएगी, मजा आएगा। अब वो रस्सी पकड़ ले ऊपर वाली, दोनों हाथों से पकड़ ले, ये तो आ गई वापस। तेरी फिजिकल एक्टिविटी थी।
लेके जाओ स्टेप और घूम जाओ ध्यान ध्यान दोनों ज्वाइंट करके हाँ घूम जाओ नीचे लटक जा बीच वाला की मदद से ये हमने कर ली, लेडर क्लाइंबिंग हमने कर ली, ब्रिज हमने कर लिया, क्रॉलिंग हमने कर ली और जिप लाइन हमने कर ली। छह एक्टिविटी थी तो वापस उधर जाना मुझे चल के। गार्डन घूमने का कैसे जाना था, नहीं जाना है निकल के? आई डोंट नो नीचे जा रहा हूँ। ये वेदर वापस ऐसा हो गया, पूरा फॉग फॉग फॉग। पहले सारे टेंट दिख रहे थे पर इतनी पास के टेंट भी नहीं दिख रहे। अभी हम ऊपर मंदिर जा रहे हैं, कौन सा मंदिर है देखते हैं। पता नहीं किसका प्रवचन चल रहा है कब से, किसी ना किसी का तो चल रहा है। बंद है, अंदर एक और छोटा गेट है वो मंदिर है। तो ये सब क्या है कि लोगों की मनोकामना है? मनोकामना के लिए बंधा हुआ है, मन्नत मांगते हैं ना, मन्नत पूरी हो जाती है तो खोल देते हैं। थैंक यू। गजब का ही वेदर है, 5 मिनट में पूरा फॉग आ जाता है, 5 मिनट में खुल जाता है, लेकिन हाल फिलहाल तो फॉग आ गया। तो वापस हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे जहाँ पे हॉर्स खड़े रहते, हमको नीचे लेके जाएगा देन हमारे जो टैक्सी ड्राइवर है, हमको थीम पार्क और जो नेशनल पार्क है वहाँ लेके जाएंगे। अब इस रास्ते में भी पूरा फॉग हो गया है, अब इसने हॉर्स भी चेंज कर लिया क्योंकि ये तो है नौजवान तो ये क्या थोड़ा ऐसे ही चलता है और वो शांत एकदम। तो पूरा ऐसे कीचड़ खाता है। आधे रास्ते आ गए हम लोग और यहाँ पे हम रुके हुए क्योंकि बारिश आ रही है, उस पर बैठे हुए ऑलमोस्ट भीग चुके हैं। तो देखो भीग गए अभी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, फिर थोड़ी सी रुकेगी बारिश तो नीचे जाएंगे। हाँ रुक भी सकती है, बढ़ भी सकती है, अभी हाल फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट कर रहे हैं क्योंकि देखने के बाद तो ठंड लग रही है। कंप्लीट फॉग हो गया, कुछ नहीं दिख रहा है क्या, कंप्लीट फॉग हो गया कि वेदर पूरा ऐसा हो गया। हमारे हम भीग गए थे लेकिन अब थीम पार्क में एंट्री हो गई है। थीम पार्क में जो आउटडोर की एक्टिविटीज़ है हमने उसका टिकट नहीं लिया, हमने इंडोर की एक्टिविटीज़ का ही टिकट लिया क्योंकि आउटडोर की ऑलमोस्ट बंद है वेदर की वजह से।
गो कार्टिंग चालू है, अगर गो कार्टिंग तब चालू होगी, मतलब गो कार्टिंग का टिकट 800 रुपीज़ का सही टिकट है, पर यूँ है कि बारिश बंद होगी तो गो कार्टिंग स्टार्ट हो जाएगी, फॉग में भी गो कार्टिंग हो जाएगी, लेकिन बस अभी बारिश आ रही है हल्की हल्की तो वो बंद हो जाएगी, गो कार्टिंग हो जाएगी। बाकी हमने इंडोर का पैकेज लिया है, तो सबसे पहले हम जा रहे हैं फूड कोर्ट पे, कुछ खा लेते हैं, उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ में जाएंगे क्योंकि हम थक गए हैं। इंडोर एक्टिविटी का रूम है, लेकिन वेदर की वजह से बहुत कम जने आए इस थीम पार्क में। पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ थीम पार्क बिल्कुल एम्प्टी, कोई नहीं है। ये 5D का एंट्री गेट है, कोई मतलब एक बंदा भी नहीं है यहाँ पे। अभी हमको बंदे ढूंढने पड़ेंगे कि हमको ये राइड्स करवाओ। अरे यार ये तो बंद है, ये बंद हो गया। टकरा गई, ये रहा रास्ता, रेड में रास्ता क्लियर है, रेड में रास्ता सही दिखता है, ब्लू में नहीं दिखता है। ये जा रहे हैं दोनों रास्ते, अब इनफाइनाइट रूम एक, ये एंड हो गया। ये बहुत ब्यूटीफुल है, जा रहा है। ये इनफाइनाइट रूम है, पूरा कांच का ऐसा बना हुआ है। हाँ अब देखो घूमता हुआ नजर आएगा, बस इंडोर की जो ये हमने एक्टिविटीज़ करी हाल फिलहाल इस वेदर में यही चालू है इंडोर के लिए। तो स्मैश कार और बुल राइड मेंटेनेंस के लिए बंद कर रखी है, और आउटडोर में भी ऑलमोस्ट सारी राइड बंद कर रखी है इस वेदर में। बस एक गो कार्टिंग वाले भैया के पास जा रहे, पूछते हैं अगर वो चालू होगी तो वो करेंगे। तो ये मेरे पीछे ही है गो कार्टिंग का ये ग्राउंड जहाँ पर गो कार्टिंग होती, लेकिन हल्की हल्की सी बारिश फिर से स्टार्ट हो गई है तो पूरा वापस से फॉग हो गई है। तब हम लोग जा रहे टैक्सी की तरफ। ये था जो आज हम लोगों ने कुकफी में एक्टिविटीज़ करी। अब देखते हैं नेशनल पार्क का क्या सीन है, क्योंकि बारिश में ना तो जानवर नज़र आएंगे, अगर नज़र आ गए तो वो गुफा में बैठे होंगे, एंट्री टिकट मिल गया तो भी, देखते हैं क्या सीन रहता है। शिमला में फिर से बारिश, तो अब हम लोग वापस होटल पे ही जा रहे हैं, क्योंकि बारिश तेज हो गई है और वो पार्क बंद था और बारिश उस समय भी हो गई थी गो कार्टिंग के लिए। तो हम जा रहे हैं होटल, वहीं कुछ खाएंगे करेंगे फिर अब जा रहे हो। अरे यार सॉरी, व्लॉगिंग में बारिश तेज हो रही, ड्रॉपलेट्स गिर गई थी कैमरे पे। अब होटल ही जा रहे हैं, फिर देखते हैं थोड़ा सा मौसम खुलेगा तो वापस मॉल रोड जाएंगे, दिन का दिखाऊंगा मैं आपको, लेकिन हाल फिलहाल तो बहुत तेज़ बारिश आ रही है।